बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपको गर्म पानी और शहद का इस्तेमाल बताऊंगी और इसके फ़वाद बताऊंगी। ये देखिए, मैंने पानी पैन में रखा था और अब पकना शुरू हो गया है। ऐसे ही एक दो मिनट हम पानी को पकने देंगे, इसके बाद हम कप में इसे डाल देंगे। ये देखें, मैंने कप में शहद पहले से ही डाल लिया है और ये देखें शहद। इसे अब हम पानी को शहद वाले कप के अंदर डाल देंगे, एक कप पानी बनाने के लिए। ये देखें, अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब मैं आपको इसके फ़वाद बताती हूँ। चलें जी, मैं अब अपने डाइनिंग पे बैठ जाती हूँ, साथ साथ आपको शहद वाले गर्म पानी के फ़वाद बताती हूँ। हाँ, पानी और शहद पीने से हमें पेट की जितनी भी बीमारियाँ, सब बीमारियाँ ख़त्म होती हैं। हम बहुत ज़्यादा ख़वातीन और मर्द हजरात हैं जो कि खाना खा कर बैठे रहते हैं, जिसकी वजह से उनके पेट में गैस की प्रॉब्लम हो जाती है और गैस की प्रॉब्लम होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब फील करते हैं। लेकिन गर्म पानी और शहद, अगर वो गैस हो जाए उनके पेट में, फ़ौरन गर्म पानी और शहद पिए तो इससे इनके पेट की गैस ठीक हो जाएगी, ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। सुबह के टाइम नाश्ते से आधा घंटा पहले अगर हम गर्म पानी और शहद पी लें और रात को भी इसी तरह पिए तो हमारा वेट जो है वो भी लूज़ हो जाएगा। इसके अलावा अगर हमें दिल की प्रॉब्लम है उसके लिए भी गर्म पानी और शहद बहुत मुफीद है। किडनी की जिन लोगों को प्रॉब्लम है उनके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बेसिक ये है कि शहद जो है वो खाना सुन्नत है और इसके बेइंतहा फ़वाद हैं। गर्म पानी और शहद का इस्तेमाल हम सबको करना चाहिए ताकि हम एक्टिव रहें। गर्म पानी और शहद पिएं तो हम बहुत ज़्यादा फ्रेश फील करते हैं। ओके फ्रेंड, आई होप कि आप इस पर अमल करने की कोशिश करेंगे और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। जहाँ रहें खुश रहें। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय।